हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी करेंट बर्निंग टॉपिक एंड दैट इज द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या, और ये जो हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है, उसको ये कौन करा रहा है और इसके पहले कौन करा रहा था, ठीक है, और ऐसा क्या हो गया जो कि जो है ये इतना जो है मुद्दा जो है विवाद में है और हमें इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वॉचिंग हीरक IAS यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एन ऑटोनोमस एजेंसी वर्किंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन previously was known as the MHRD, Ministry of Human Resource and Development. NTA responsibility is to conduct the examinations, whether it is entrance examination or the recruitment examination, and it was established in November 2017 by the Parliament Act, and it is responsible for conducting the numerous national level examinations. आप सोच रहे होंगे कि NTA से पहले एग्जाम कैसे होते थे, तो ये NTA से पहले जो एग्जाम से, जैसे मान लीजिए IIT जी का एग्जाम है, तो IIT खुद लिया करती थी। चाहे आप ये देखिए यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है, तो यूनिवर्सिटी खुद लिया करती थी, अपना एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। और आपको मान लीजिए जैसे फेलोशिप एग्जाम्स है, UGC एग्जाम है, CSIR नेट एग्जाम है, GPAT है, ये सारे एग्जामिनेशंस जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पर कंडक्ट करते थे। लेकिन जो है ये 2017 से जब हमारा NTA इस्टाब्लिश हुआ और इफेक्टिव हुआ, तब से जो है NTA ने पूरा जो है ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लिया। तो इसका अभी ये रिसेंट में क्यों न्यूज में है, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं कि लगातार जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है कि इसके पहले क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ करते थे, क्वेश्चन पेपर लीक होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो है सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होने के बावजूद भी, जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती है उसके बावजूद भी जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि भाई फिर कौन कैसे जो है फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो लाइफ स्टेक पर रहता है, इनका मेहनत जो है स्टेक पर रहता है, जो है सब कुछ जो है दांव पर लगाता है, फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो यदि किसी प्रकार का फेलियर होता है और पेपर लीक होता है या एग्जाम स्कैम हो रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है और ये दिक्कत है। तो चलिए हम लोग और डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो द रूट्स ऑफ द एजेंसी कैन बी ट्रेस बैक टू द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 व्हिच मेंशन कंडक्टिंग नेशनल लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। तो ये 2017 से पहले जो है ये चर्चा में रहा है कि हमें ऐसी एक एजेंसी की जरूरत है जो नेशनल लेवल पर काम करे, जो अलग अलग स्टेट्स और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रहे हैं, उससे खर्चे भी हो रहे हैं, तो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के जैसे सारा जो है कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और उससे रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री के पास हो। तो ये बातें जो है 1992 से चल रही थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में मेंशन है। इट्स एक्चुअल स्टार्ट वाज इन 2010 विद द रिपोर्ट सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये नथिंग बट इट इज द MHRD, ये पहले MHRD के नाम से ही जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया बाय ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द IITs। तो एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद ये डिस्कस किया गया कि जो है एक ऐसी एजेंसी हो जो कि काम करे सेंट्रल लेवल पर। तो ये जो NTA है, इस जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये दिस इज द लीगल ऑटोनोमस एजेंसी, इट ये स्टेटरी एजेंसी एंड कैन इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द टेस्टिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट वाज बीइंग इन्वेस्टेज। सो ये तो इसका ये ऐसा इन्वेस्टेज किया जाता है, ऐसा सोचा जाता था कि जो है ये ऐसी टेस्टिंग एजेंसी होगी जो कि जो है इंडिपेंडेंट एग्जाम कराएगी, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये खुद ही आज के डेट में जो है क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ चुकी है। सो इसमें जो है ऐसा क्यों है, क्या वो फेल्योर हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस एजेंसी को कि जो है पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक कैसे, कौन से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो पेपर होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये जो है कैसे जो लोगों को ये पेपर मिल जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है ये इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें कैसे लीक हो रही, तो फिर जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है कैसे सेफ रह सकती है जब इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं मैनेज हो पा रही हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इन 2013 द MHRD कंसल्टेड ए 7-member टास्क फोर्स टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द NTA फॉरवर्ड। दिस वाज फॉलोइंग अ डिसीजन मेड इन अप्रैल 2013 टू सेट अप द एजेंसी। तो ये जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और जो कि NTA को जो हकीकत में लाया, और NTA जो है नवंबर 2017 में एस्टैब्लिश हो गई एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट ऑफ 2017 स्पीच ऑफ द बजट एंड दिस वाज फॉलोड बाय कैबिनेट अप्रूवल। सो दिस इज द कैबिनेट अप्रूव्ड लीगल एजेंसी एंड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी इज द विनीत जोशी, राइट। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द NTA। नाउ द यू कैन इमेजिन दैट 25 crore फंड वॉज इनिशियली अलॉटेड फॉर स्टार्टिंग द NTA टू कंडक्ट द वेरियस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, वेदर इट इज IITG मेन आर नीट CUET और UGC नेट, CSIR नेट, देर आर डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय द NTA प्रेजेंटली एंड इट सीम्स दैट देर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट इन ए कैपेबल टू मैनेज दिस थिंग। सो दे आई विल डिस्कस द डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑल्सो एंड इन दैट यू कैन सी दैट हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। सो ये जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम और कॉलेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे जी मेन हुआ, नीट UG हुआ, CMAT हुआ, CUET हुआ, GPAT हुआ, ठीक है, आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, DU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हुआ CUET से, होटल मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये सारे एग्जाम जो है मोस्टली जो है रेपुटेड जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कराती है, या फेलोशिप एग्जाम हुआ जैसे UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और CSIR जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट एग्जाम। सो ऑल दीज टेस्ट आर करंट कंडक्टेड बाय द NTA प्रेजेंटली। सो आप देखिए ये जो पेपर स्कैम मैं बताया, जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता है, होता रहा है। आप देखिएगा कि इसमें कौन दोषी है, पहले तो ये बताइए। हम तो समझते हैं कि इसमें मान लीजिए जैसे आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट लेवल पर चाहे वो UP बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे CBSE बोर्ड के हो, पेरेंट्स पहले ही चले जाते हैं नकल कराने के लिए कि भाई हमारे बच्चों को पास कराना है। आप 11th मूवी देखे हैं, 11th फेल मूवी आया, उसमें यही डिस्कस किया गया, और हमारे टाइम में भी ऐसे ही हो रहा है, लोग पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पैसा दे करके नकल कराते हैं। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ऐसा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोष किसका है,
पेरेंट्स का भी है उतना ही। आप ये समझिए कि यदि बोर्ड का एग्जाम नकल करके बच्चा पास भी कर लेता है तो क्या कर लेगा वो, यदि उसको नॉलेज नहीं है। ये जो ये बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं वो तो उसके सिलेबस बेस्ड एग्जाम है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन पेपर को, तो वो आगे जाकर क्या कर लेगा। यदि वो नकल करके पास भी हो गया तो डिग्री लेकर घूमेगा, भाई हाँ ये मैं हाई स्कूल पास हो गया, इंटर पास हो गया, और ये तो इससे वो बेरोजगारी के पहले चिड़ी पर चढ़ जाएगा। यदि उसके पास प्रॉपर फाउंडेशन नहीं होगा, नॉलेज बेस नहीं होगा, तो वो आगे कुछ कर नहीं सकता है। तो इस बात को पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि जो है नकल के पीछे ना भागें, और इसका फायदा जो है नकल माफिया उठाते हैं, ठीक है, वो पैसा लेकर के लाखों में पैसा लेते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का किस लेवल का एग्जाम है, और जो है उनको सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ते से करा लेंगे। तो पहले तो इसमें जिम्मेदारी सोसाइटी की भी है कि इन सब चीजों से बचें, और दूसरा इसका फायदा ना उठाए, क्योंकि इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। यदि नकल करके कर भी लेंगे तो मान लीजिए नकल करके डॉक्टर बन गए तो कितने अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे आप, फिर वही कहेंगे कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको कोई अभी ये जो मेडिकल का जो इश्यू बन रहा है, तो मेडिकल में यदि एडमिशन भी नकल करके कर लिए तो क्या आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, और अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, अच्छी जो है नॉलेज नहीं होगा तो आपका कहीं फिर ये थोड़े कहें कि पढ़ लिया तो आपको डिग्री मिल गया तो आप सब कुछ कर लेंगे। आपको नॉलेज भी होना जरूरी है, कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए, ठीक है। तो पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है इस तरह की चीजें के पीछे ना पड़े। हाँ मैं मानता हूँ कि कंपटीशन टफ है, तो कंपटीशन टफ है तो उसी तरह से हमें जो है उसके काबिल बनना है, और जो है इसके पीछे नहीं भागना है कि हमें जो है नकल कराना है अपने बच्चे को, ठीक है। तो इससे इसकी वजह से पहले हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर नकल माफिया और पेपर लीक होने का खतरा भी कम हो जाएगा। मैं देश में हर जगह हर लेवल पर देख रहा हूँ, चाहे वो सर्विस के लिए हो, वहां जो है अंदर अंदर घुस चल रहा है। आपको ये बता दें कि जो है अच्छा कैंडिडेट कभी इसके पीछे नहीं भागता, लेकिन जो है यदि सीट लिमिटेड है और पीछे से घुस चल रहा है 10 लाख 20 लाख, तो अच्छे कैंडिडेट को भी दिक्कत आती है, क्योंकि वही सीट लिमिटेड है, वहां पैसे से पीछे से हो गया। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप लोग हैं जो इसके पीछे करा रहे हैं। अपने काबिलियत पर विश्वास कीजिए, और जो है गलतियों से बचिए, गलती कराने से और करने से दोनों से बचिए, तो ही जो है इसका सोल्यूशन है, ठीक है। जो ये टेस्टिंग एजेंसी बनी है NTA, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन आप जो है इतना बड़ा जो है देश है, इसमें कहीं ना कहीं लूप होल रह ही जाता है, और उसमें जो है दोषी जो है वो ऑफिसर्स होते हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, वही पेपर लीक करते हैं, या कोई मेंबर होता है जो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, जिस पर जो है उसको नजर आती है और वहां से पेपर निकाल के कॉपी करके जैसे भी करके वो लीक कर देता है। तो वो जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको जो है सजा भी मिलनी चाहिए। मेरा तो ये दरख्वास्त है जो प्रशासन है कि जो जो इसमें दोषी पाया जा रहा है उसको अच्छी सजा होनी चाहिए, ताकि जो है दूसरे लोग इस गलती को करने से बचें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी देखिए ये 2020 में भी जो है IITG के मेन एग्जाम के समय भी जो है स्कैम हुआ था। जो ये नील नक्षत्र दास एक कैंडिडेट था जो मेंस के जी मेंस के सब्स्टिट्यूट यूज किया था, ठीक है। ही सक्सेसफुली स्कोर 99.8% इन द एग्जाम एंड टॉप इन दिस स्टेट असम। 7 पीपल हैव बीन अरेस्टेड रिगार्डिंग दिस। सो इसमें जो है TCS के एम्प्लॉयज भी थे, ग्लोबल एजुकेशन लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो भी, उसके भी थे। तो ये बहुत इसका जो है इशू हुआ। तो इसमें आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय भी, जो TCS जो है NTA के थ्रू जो मीडिएटर है, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है एग्जाम कंडक्ट, उसके एम्प्लॉय, तो ये उनको पहले पेपर तो आएगा ही 4 घंटा पहले 24 घंटा पहले, ताकि वो एग्जाम कंडक्ट, और उसी के एम्प्लॉय जो लीक कर देता है पेपर। तो यहाँ पर सख्ती भी बरतनी चाहिए, जो है CCTV कैमरा भी लगना चाहिए। फिर भी जो है ये यदि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वही जो है माल प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये तो मुश्किल है, कोई भी एजेंसी कहां तक कंट्रोल कर पाएगी। तो जिम्मेदारी है कि हर एलिमेंट को जो है इस तरह की चीजों से बचना है कि जो है धांधली ना हो, ठीक है। अभी नीट UG डिस्क्रिपेंसी इन द
2020 NEET UG examination, the NTA incorrectly declared that Bidhi Suryavanshi of Madhya Pradesh Chindwara district had only scored 6. अब देखिए ये जो ये केस एक आया है 2020 का, इसमें भी जो है NTA के कुछ दिक्कत हुई होगी, टेक्निकल फॉल्ट होगा, किसी एक बच्ची का विधि सूर्यवंशी का उसने 6 मार्क्स कर दिया, जबकि वो एक्चुअल में जो है 590 मार्क्स पाई थी। तो अब उसने सुसाइड किया तो फिर रिवैल्यूएशन हुआ तो पता चला कि जो है गलती हुई थी। तो ये तो मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है या किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो स्कैम हो रहे हैं देश के अंदर, ये जो है लगातार आपका रेलवे का एग्जाम हो तो वो लीक हो गया, SSC का एग्जाम हो तो वो लीक हो गया, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों अविश्वास पैदा हो रहा है। जो एक तरफ तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ते जा रहा है, यूथ परेशान है नौकरी के लिए, और जो है ये पेपर लीक करके और भी डिले किया जा रहा है, तो ये गलत है और इसको रोकना चाहिए, और इसमें जो है प्रशासन को भी सख्ती बरतने की जरूरत है। ठीक है, अभी ये जो है 2020 का जिक्र है, अभी देखिए आपको जी मेन 2022 में भी टेक्निकल इश्यू जो आया था, NTA वाज वाइडली क्रिटिसाइज फॉर द इम्प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द जी मेन 2020 एग्जामिनेशन, मेनी स्टूडेंट्स फेस्ड टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच रिजल्टेड इन द लोअर स्कोर्स। तो अभी टेक्निकल जब अभी 2017 के अभी इनको सबक तो ले लेना चाहिए कि टेक्निकल फॉल्ट पहले से ही प्रैक्टिस रिहर्सल हो जाना चाहिए कि भाई इस तरह की जो है प्रॉब्लम ना आवे, कि जो कैंडिडेट है एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसी समय कुछ फॉल्ट हो जाए तो उनका टाइम किल होता है, हाँ, और उनके स्कोर कम आ जाएंगे, टाइम्स बाउंड है, पेपर को सॉल्व करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इस बार भी हुआ है जो है, ठीक है, बच्चों को जो है एग्जामिनेशन के दौरान जो है डिले कर दिया गया किसी वजह से, तो उनका जो है स्कोर किया, फिर ग्रेस मार्क, तो इस पर भी बहुत सारे बवाल हुए कि भाई ग्रेस मार्क का तो पहले सिस्टम था ही नहीं, फिर कैसे लाया गया, तो हाँ ग्रेडिंग किया गया, कैसे किया गया, हाँ ठीक है। अब ये देखिए रिसेंट यूज इसमें आया है कि अपरेंट मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी इन द जी मेन एग्जामिनेशन 2024 NTA हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर इरेगुलरिटीज इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जी मेन विच लीड टू द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स एंड अल्टीमेटली लोअर स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट। तो एक NTA की भी यहाँ जिम्मेदारी, क्योंकि दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल एजेंसी टू कंडक्ट सच एग्जामिनेशन। तो ये DG हैं या जो भी रिलेवेंट ऑफिसर हैं, उनको इस पर पूरी चौकसी बरतनी है, निगरानी रखनी है कि किसी प्रकार का फॉल्ट ना हो जिससे कैंडिडेट का लाइफ बर्बाद ना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे लाइफ स्टेक होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उनका पूरा करियर होता है, कोई लास्ट टाइम पर होता है, एज के लास्ट बाउंड्री पर होता है, तो उनके लिए और दिक्कत होती है, ठीक है, और कोई जो है बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके एग्जाम दे रहा है, उसके लिए अंतिम सोर्स होता है, तो ये सब चीजें भी ध्यान देना, इससे बहुत सोसाइटी को नुकसान होती है। जी मेन्स 2024 सेशन 1 जनवरी में जो हुआ उसमें भी प्रॉब्लम हुआ अभी, ठीक है, ये सब सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए 2024 का नीट पेपर लीक स्कैम, जो मैं इसको डिटेल में पेपर के थ्रू भी डिस्कस करूंगा, अभी UGC नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो ये पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो फिर आप CSIR UGC का कंबाइंड जो टेस्ट होता है वो भी कैंसिल हो गया। इस आर्टिकल दैट पेपर लीक गवर्नमेंट कांग्रेस ब्लेम्स द गवर्नमेंट आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द UGC नेट एग्जामिनेशन, सो स्टूडेंट्स कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अटैक्ड द गवर्नमेंट ओवर द अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट एंड आस्क व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड नीट परीक्षा पे चर्चा। सो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आल्सो स्लैम्ड द गवर्नमेंट आफ्टर द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ UGC नेट एंड आस्क फॉर द अकाउंटेबिलिटी टू बी फिक्स्ड सून। इन ए पोस्ट इन हिंदी ऑन एक्स मिस्टर खड़गे सेड नरेंद्र मोदी जी यू डिस्कस एग्जाम अलॉट बट व्हेन विल यू होल्ड नीट परीक्षा पर चर्चा, कैंसिलेशन ऑफ UGC नेट एग्जाम इज ए विक्ट्री ऑफ द पैशन ऑफ लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफेट ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स अरोगेंस ड्यू टू विच दे मेड ए
despicable attempt to trample the future of our youth, he added. So this is the opposition attack on the government, but कि भाई बाद में होगा, तो एक तो लक्ष्य थे, एजेंसी भी डरी हुई है कि उसको भी डर लग रहा है कि अभी क्या ना हो जाए, तो एक एक छोटी मोटी बात तो है नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इतनी बड़ी एजेंसी जो है एक प्रेशर में आ रही है कि अपना जो है डेट को कैंसिल करना पड़ रहा है, ऐसे तमाम घटनाएं हो रही है। तो ठीक है, जो 2024 नीट पेपर लीक स्कैम इन नीट 2024 एग्जाम फॉर विच लिटिल मोर देन 25 लाख कैंडिडेट्स वर रजिस्टर्ड, द पेपर वाज लीक्ड ऑन मे 5th इन पटना बिहार। अकॉर्डिंग टू द पुलिस द पेपर लीक गैंग एलिजिबली टू, अभी अभी जो सुनने में आया, अभी कैंडिडेट का भी जो है रिवेलेशन है कि जो अरेस्ट हुआ है वो बोल रहा है कि जो है हमको जो है हमारे अंकल बुलाए कोटा से और पटना बुलाए कि आज अरेंज हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा क्लिप, अरेंज हो गया है और आप जो है आप, और उसको रात में पेपर ही दे दिया गया, लो इसका आंसर शीट याद कर लो, अगले दिन दे देना है, और उसको तो दिया ही, दूसरों को भी बांटा 30-30 लाख 40-40 लाख में। तो ये क्या है, ये आप जो है ये जो चीजें कर रहे हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल, आप चोरी चोरी करके डॉक्टर बन के दूसरों का इलाज करेंगे, कौन कराएगा आपसे इलाज? तो समस्या यहाँ ये नहीं है कि कौन कराएगा इलाज, बात ये है कि जो हमारा जो इक्वल प्लेटफॉर्म है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हमारे संविधान ने जो बराबर का जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात किया है कि सभी को एक ही समान का जो है एंट्रेंस डिफिकल्टी को फेस करना है ताकि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल जो है शेयर मिले सीट में, तो उसमें जो है ये गलत हो रहा है कि आप जो है साइड से पैसा दे के, पैसे के दम पर पेपर को हासिल करके, पेपर लिख करा करके आप जो है आप आगे ले लेंगे, आप 720 out of 720 हासिल करके आप नंबर वन जाएंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ लेंगे, तो फिर ये नहीं होगा और नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, NTA जो है अपनी कमर कसेगी और इस तरह से उम्मीद है कि जो है दोबारा गलती ना होए। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज द एडिटोरियल द टेस्टिंग टाइम्स, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीड्स एन ओवरहॉल टू रिगेन क्रेडिबिलिटी, why this is the situation for the NTA that conducts the reputed national examinations, national level examination. In this article it is clearly talked about the NTA, the cancellation of the UGC NET examination on Wednesday, just a day after its supposed successful conduct by the NTA, is one more load of extra threatening to break the agency creaking reputation. तो आपको पता है कि जो है UGC NET examination cancel हो गया, उसके बाद जो है इसका date तो clear नहीं है, coming as it did after irregularities in the years NEET UG medicine and complaints about the GE engineering, the NTA is under intense pressure. सो ये NTA के ऊपर एक प्रेशर ही है जो उसको लग रहा है कि कहीं फिर से किसी छोटी सी गलती की वजह से या किसी वजह से दूसरा कमिंग जो एग्ज़ाम जो है वो भी UGC का पेपर लीक ना हो जाए, तो CSIR का पेपर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट ए प्रेशर फेल्ट बाय द NTA एजेंसी, द NTA इज़ अंडर इंटेंस प्रेशर एंड इन सम वेज the education ministry's actions are in stark contrast to its response to ongoing NEET fiasco. Already आप देख रहे हैं कि जो NEET को पेपर लीक पेपर स्कैम को लेकर के जो सिचुएशन है, और ऐसा लगता है कि it has learned some lesson. So बिल्कुल NTA ने ऐसा स्टेप लेकर के ये दिखाया है कि जो है कुछ करने की ज़रूरत है जो दोबारा ये रिपीटेशन ना हो गलतियाँ। इट टुक सो मेटो एक्शन इन ऑन द बेसिस ऑफ द होम मिनिस्ट्रीज साइबर क्राइम्स टीम्स इनपुट इवन विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स, अनलाइक इन द नेट केस वेयर इट हैज ड्रैग्ड इट्स फीट थ्रू कमिटीज एंड कोर्ट केसेज डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशंस एंड पुलिस कंप्लेंट्स ऑफ पेपर लीक्स। तो पहले तो NTA जो थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जो है
उसके बाद जो है इसने अपने सुओ मोटो एक्शन लिया है, और ये जो इनपुट मिला था कि साइबर में जो है ये डार्क नेट के थ्रू पेपर लीक हुआ है, ठीक है, यूजीसी का, तो उसके तुरंत बाद जो है इसने अपने आप ही जो एक्शन लिया है और अलर्ट हो गई है, द मिनिस्ट्री इमीडिएटली कैंसल्ड द यूजीसी नेट एंड प्रॉमिस्ड ए फ्रेश एग्जामिनेशन। तो जो पेपर हुआ लीक हुआ उसको तुरंत कैंसिल कर दिया और फिर फ्रेश नेट एग्जामिनेशन कराने की बात कह रही है। इट हैज़ आस्क टू सीबीआई टू प्रोब द केस व्हाइल नॉट हीडिंग द परसिस्टेंट डिमांड ऑफ नीट एस्पिरेंट्स फॉर सिमिलर प्रोब। तो पहले तो ये नीट के जो इतने एस्पिरेंट्स थे पेपर लीक हुआ तो ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी उनकी बातें भी नहीं सुनी जैसे, लेकिन ये जो नेट भी पेपर भी लीक हो गया तो इन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिया। हाउएवर फॉर दी ओवर 9 लाख यूजीसी नेट कैंडिडेट्स हु स्टडीड फॉर मंथ्स एंड देन ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर सम टेकिंग लोन्स टू कवर देयर कास्ट दिस इज ए लिटिल कंसोलेशन। तो कहने की बात यह है कि जो पेपर कैंसिल हो भी गया तो क्या इससे नुकसान नहीं हुआ? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपना दूर दूर जाकर के सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं कि किराए के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, लोन लेकर के अपना वो, तो ये उनके लिए कंसोलेशन तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, जो है उनको बहुत नुकसान होता है। दिज यंग पीपल डिजर्व आंसर्स वाई इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल unanswered. The far one, no one in the government's education establishment has explained why the NET was an offline exam conducted by the CBSE till 2018, when it was taken over by the NTA and become an online exam, only to revert this year to an offline pen and paper exam, which is potentially more vulnerable to paper leaks. तो ये पहला बात तो ये है कि पहले जो है जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे 2018 से पहले, 2017 में जे एन टी ए का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 2018 से पहले जैसे हमने भी नेट एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, तो सब ये रिटन पेपर हुआ करते थे, डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, ठीक है, तो इस तरह के पेपर में जो है लीक होने के चांसेस कम हुआ करते थे, ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर जब जैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो ये जो है ज़्यादा स्कैम होने शुरू हो गए। As the investigation is carried out, full transparency is key to any hopes that the NTA can regain trustworthiness in the eyes of candidates. इससे निश्चित रूप से NTA का जो credibility जो है खतरे में आया है, लोगों ने इनके इसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और जब तक ये फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती है NTA के जो रेगुलेशन में ये पेपर लीक की चीज़ें नहीं बंद होती हैं, तब तक जो NTA के ऊपर जो है इस तरह की जो है संदेह बना रहेगा। द सेकेंड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो इस माल प्रैक्टिस में इस तरह की गतिविधि में स्कैम में शामिल हैं, चाहे वो कैंडिडेट हों चाहे जो है नकल माफिया हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरह की भी जो है अभी गवर्नमेंट ने भी जो है एक पास किया है जिसमें जो है जेल होने का भी प्रावधान है। तो द गवर्नमेंट वुड आल्सो डू वेल टू कंसीडर ए रिहॉल ऑफ द NTA सिस्टम एंड पर्सनल टू इंश्योर दैट द टेक्निकल ग्लिचेस चीटिंग स्कैम्स पेपर लीक्स एंड प्रॉक्सी कैंडिडेट्स दैट हैव प्लेग्ड द एग्जाम्स दिस ईयर नॉट अलाउड टू हैपन अगेन। तो कहने का मतलब है कि जो है गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि NTA का सिस्टम स्ट्रांग हो और उनके जो पर्सनल हैं जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वर्कर्स हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग दिया जाए कि इस तरह की जो है टेक्निकल ग्लिचेज ना हो, चीटिंग स्कैम्स के चांसेस बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, पेपर लीक्स ना हो, कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट ना बैठ पाए जिसकी वजह से जो ये जब सब ये इशू हो रहा है। सो इसको इस तभी संभव है जब NTA का सिस्टम स्ट्रांग बनाया जाए, कोई भी लूप होल छोड़ा ना जाए। विद द फेट ऑफ लॉक साफ इंडियाज एजुकेटेड यूथ एंड यंगस्ट वेटर्स वोटर्स एट स्टेक, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द टेस्टिंग एजेंसीज वूज हैव बिकम ए पोलिटिकल हॉट पोटैटो ऑल्सो। तो निश्चित रूप से कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पॉलिटिकल इशू तो बनता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जो गवर्नमेंट की ही रिस्पांसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है और गवर्नमेंट ही इस पर जो है कंट्रोल करती है, तो कहीं ना कहीं से जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा स्ट्रिक्ट जो है स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं कि जो इस तरह की जो है
ना चीज़ें हुए। सम अपोजिशन लीडर्स हैव डिमांडेड दैट NTA बी डिसमेंटल्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट इंस्टीट्यूट। तो अब ऐसी जो सेंट्रलाइज चीज़ें हो गई थी, अब अपोजिशन जो क्वेश्चन उठा रही है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी और एग्जाम्स को कंडक्ट करती थी अच्छे तरीके से, लेकिन जब से NTA हुआ इतना स्कैम हो रहे हैं, इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो फिर से डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अपोजिशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रही है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो दिस मे वेल कर्व द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी लीडिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ इनॉर्मस स्केल दैट आर हार्डर टू मैनेज इन ए फार फ्लंग नेशन। सो ये तो मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट का जो सेंट्रलाइजेशन करने का जो स्टेप है उसके ऊपर एक लगाम सी होगी, जो कि इतने बड़ा देश में फार फ्लंज नेशन मतलब इतना बड़ा देश में जो है एक एजेंसी पूरे 70 के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए है, तो ठीक है कर सकती है, बट इसके लिए जो है पूरे सिस्टम को और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। जैसे UPSC कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया हो, क्योंकि वो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है खुद जो है ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हाउएवर सम ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस विल ऑलवेज रिमेन एंड द नीड इज़ फॉर द स्टेट टू ज्वाइन द सेंटर इन रिकवरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द बिलीगढ़ एग्जामिनेशन सिस्टम। सो लेकिन जो है इसके बावजूद भी जो है कुछ ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस तो वैसे ही होंगे जैसे पहले हो रहे थे सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। द इंडियाज इंडिया नीड इज़ फॉर द स्टेट टू ज्वाइन द सेंटर इन रिकवरिंग द इंटीग्रिटी। तो यदि जिम्मेदार एजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर जो है साथ देना नहीं चाहिए, स्टेट साथ देना नहीं चाहिए, स्टेट को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलतियां जो है एक जगह से नहीं हो रही हैं। अभी देखिए दिल्ली में पेपर लीक होता है तो ये नहीं है कि दिल्ली में ही हो रहा है, आपको बिहार में हो जाता है, झारखंड में होता है, हरियाणा में होता है, तो कहीं ना कहीं से स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है और उसको भी सपोर्ट करना चाहिए और साथ देना चाहिए। सो ऑन 4th June जब हमारा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला था, फिर उसी समय जो है ये जो स्कैम हुआ कि पब्लिकली रिजल्ट पब्लिश हुआ कि सभी जो है कितने 69 कैंडिडेट्स को 100% मार्क मिले। भैया आज के हम तो आश्चर्य करते हैं कि किसी का भी कंप्यूटर जैसा भी ब्रेन हो, सुपर कंप्यूटर भी हो, तो एज ए ह्यूमन वहाँ पर तो थोड़ा बहुत एरर के चांस होंगे। आप जो है इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतने अलग अलग पेपर्स हैं, कोई फिजिक्स का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, सारे पेपर इतना ब्रॉड है, कोई भी कैंडिडेट 100% मुश्किल है करना, मतलब एकदम नियर टू इम्पॉसिबल है। यदि ऐसा है भी तो करोड़ों में एक निकल गया, ये नहीं कि 69 कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 पा रहे हैं, तो एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जो है क्या ये पेपर का लेवल इतना इजी है क्या कि 100% मार्क्स आ जा रहे हैं, इतना आसान तो नहीं है, असंभव नियर टू असंभव है मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कोई एक हो सकता है, दो हो सकता है, और लेकिन ये इतनी संख्या में और एक ही एरिया से निकल रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ और इसकी वजह से जो स्कैम का पता चला कि भाई देर वाजे पेपर लीक। सो पेपर लीक हुआ और पेपर पूरी तरह से बांटा गया पैसे लेकर के, तो ये चीज बहुत गलत हुआ है।